अभी हमने 4.2 किया बच्चों, अब हम आ रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 इसमें है फाइंड द प्रोडक्ट, कैंसिल आउट कॉमन फैक्टर वेयर एवर पॉसिबल। ठीक है, तो हम ए का फर्स्ट ले रहे हैं, ए का फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं एक्सरसाइज का, 2/5 मल्टीप्लाई। इससे पहले हमने किया था होल नंबर और फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई, अब हम कर रहे हैं फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, 2 1 ज़ा, इसको पहले आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इजी होगा, 2 1 ज़ा 2, 5 8 ज़ा 40। ठीक है, अगेन अगर ये कट हो रहा है तो आप इसको लिखेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/20 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब एक मैंने ये फर्स्ट आपको बताया है, ठीक है, सेकंड बिल्कुल सेम है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर को आपको मल्टीप्लाई करना है अपॉन डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, ये भी सेम है ऑलरेडी, ये आपको करना है। अब मैं आपको नेक्स्ट इसमें बताती हूँ 10 नंबर। ठीक है, तो अब ये आपको पूरी एक्सरसाइज खुद को करनी है, सब सारे सेम है। अब ये 10 नंबर आप देख लीजिए, ए का 10 है, 4/5 मल्टीप्लाई 10/13। ठीक है, अब यहाँ पे वही आपको इजी रहेगा, आप लिखिए न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, 4 × 10/10 डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, 5 × 13। ठीक है, 5 2 ज़ा 10 ये कट हो गया, कैंसिल हो गया, 4 2 ज़ा 8 नीचे डिनोमिनेटर 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा इसका ए एक्सरसाइज हो गया है।